शर्म नहीं आती? दोनों खुले आम चीटिंग कर रहे हैं। शर्म क्यों आएगी, हम कौन से नंगे बैठ के कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में तो बताया ही, मैडनेस बचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे किस तरीके का शो है। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी मिल सकती है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो शो है ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे प्रसारित होता है और इसका जो नाम है वो आपको पता ही है, मैडनेस बचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे। इसको होस्ट कर रही है हुमा कुरैशी, जो कि काफी अच्छे तरीके से, इसकी अगर कहा जाए तो ये इनकी मतलब इनका शो ही है ये। और आज हम हर बार की तरह एक क्लिप लेके आए हैं और इसी क्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए क्लिप को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लिप में स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक दो स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, हालांकि स्टूडेंट्स नहीं होते, एक्ट होता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, तब गाना बजता है चोली के पीछे क्या है, घूंघट के नीचे क्या है। इस गाने को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्ले किया गया है। और इसके बाद क्या होता है, वो लोग आते हैं और थोड़ा सा डांस करते हुए आते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उन्हीं दो स्टूडेंट में से जो एक्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछा है क्यों तुम स्कूल में बम क्यों लेके आए हो, तो बोलता है बिना, वो अपनी वो गलत समझ गए थे, तो वो ये बोलते हैं बिना बम के तो कोई नहीं आ सकता। बोले अरे बुद्धू ये जो हाथ पे रखा है मैं इस बम की बात कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि मैम बोलती है ना पिन ड्रॉप साइलेंस, तो मैं आज मैम को बताऊंगा कि कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होते हैं। तो इतना मैंने जो आपको बताया ये थोड़ा सा क्लिप में देख लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको सॉन्ग्स जो है, सॉन्ग वाला जो क्लिप है आपने यहाँ पे देख लिया होगा, बाकी सॉन्ग्स में थोड़ा सा ही दिखाऊंगी आपको। तो ये क्लिप को थोड़ा एंजॉय कीजिए। तू बम क्यों लाया क्लास में? अरे सब लेके आते हो ना, बैठेंगे कैसे? हाथ में बम क्यों लाया? टीचर कहती है ना हाँ। कि आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, आज ऐसा पिन ड्रॉप करूंगा। तो इसके बाद की जो क्लिप आती है इसमें हो जाती है आखिरकार टीचर की एंट्री। और टीचर जब आती है तो बहुत अच्छे से गाना बजता है, कजरा रे तेरे कारे कारे नेना, ये गाना बजता है। इसके बाद होता ये है कि टीचर आती है और उसमें से एक जो स्टूडेंट है जिसके हाथ में बम था वो बोलता है देखो ब्लैक बोर्ड आ गया, अब इसको जल्दी जल्दी से मिटा के कुछ लिख देते हैं। तो उसी में से जो दूसरा बच्चा है जो उससे पूछ रहा था यानी कि क्यों लाया वो बम, वही बोलता है कि अरे बुद्धू ये मैडम है, आज ये एग्जाम है ना इसकी टेंशन के बारे, इसका सर ऐसा हो गया है। वो एक्ट करके बताते हैं, अगर मैं आपको कैसे बता सकती हूँ वो आप देखिएगा क्लिप में। तो वो ऐसे बताते हैं, तो उस समय टीचर भड़क जाती, मजाक वाला भड़कती है, सीरियस नहीं, बोलती है मेरा मुंह ऐसा तो नहीं है, मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड लगती हूँ क्या, मैं ऐसी दिखती हूँ क्या तुम्हें? बोले आप ऐसी दिखती नहीं हो, आप ऐसी हो ही। तो इसके बाद ये क्लिप काफी अच्छी है और सब लोग हंसने लगते, तो आप ये वाली क्लिप जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, देख अपना ब्लैक बोर्ड चल के आ गया, फटाफट टेस्ट करते मुंह मिटा के कुछ धंका बनाते हैं। अरे तू पागल है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, आज एग्जाम है ना तो प्रेशर के मारे मुंह ऐसा हो गया। ए, कुछ भी मत बोलो, मैं ही सेटअप करती हूं। आप मत करो, आपका नेचुरल है। इसके बाद की जो क्लिप है वो चेंज होके क्या हो जाता है, दोनों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उसमें से एक वाला जो मतलब दो कंटेस्टेंट है जो स्टूडेंट के रोल में है वो क्या करता है, उसको मार देता है, पुश करता है और बोलता है ये सारे नंबर कटवा देगा क्या। इतने में टीचर आती हैं और बोलती हैं तुम लोग कितने नालायक हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, खुले आम चीटिंग कर रहे हो इतने में। तो जो बच्चा है वो बोलता है हमें शर्म क्यों आएगी, क्या हम नंगे होकर चीटिंग कर रहे हैं क्या। तो इसको देख के काफी ज्यादा लोग हंसने लगते हैं। तो ये वाली क्लिप प्लीज देखिए एक बार, काफी अच्छी क्लिप है। और हाँ ये लास्ट क्लिप है, काटे जा रहा पागल है, शर्म नहीं आती, दोनों खुले आम चीटिंग कर रहे हैं। शर्म क्यों आएगी, हम कौन से नंगे बैठ के कर रहे हैं। भी ऐसी अपडेट के लिए बनी रही है बॉलीवुड समाचार के साथ। और हाँ इस एपिसोड को यानी कि इस क्लिप को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बनी रही है बॉलीवुड समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।